एक युद्ध जिसमें हाथियों ने किया है पहाड़ पार। रोम की 70,000 सेना को मिला दिया था धूल में। कार्थेज के प्रसिद्ध सेनानायक हनीबल के बारे में अधिक जानकारी इंटरनेट पर नहीं है। भारत के बाहर भी विश्व में एक से एक योद्धा हुए हैं और इनके बारे में हमको जरूर पढ़ना चाहिए। सेनानायक हनीबल इतिहास का एक ऐसा योद्धा रहा है जिसने अपने आत्मबल और मन की शक्ति के आधार पर हाथियों से भी पहाड़ पार करा दिए थे। ऐसा आज तक विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि जब हाथियों ने पहाड़ पार करके दिखाए हों। लेकिन कहते थे कि हनीबल की आवाज में वह दम था कि हाथियों के अंदर गजब की शक्ति आ जाती थी। तो आज यंगस्थान आपको विश्व के इसी शक्तिशाली योद्धा सेनानायक हनीबल की गाथा बताने वाला है। इस योद्धा की कहानी से आप खुद भी वाकिफ हों और अपने बच्चों को भी कराएं, क्योंकि हनीबल जैसा साहस और शौर्य आपको और कहीं नजर नहीं आएगा। सेनानायक हनीबल का पहले इतिहास पढ़ लो। देश हनीबल का जन्म 247 BC के अंदर नॉर्थ अफ्रीका में बताया जाता है। गुरिल्ला युद्ध के लिए विश्व में इससे अधिक प्रसिद्ध कोई योद्धा नहीं रहा है। यह अपनी छोटी की कार्थेजिनियन सेना का जनरल था। यह बात उस समय की है जब रोम की विशाल सेनाएं आसपास के देशों पर हमला कर लूटपाट किया करती थीं। रोम की सेना लाखों में हुआ करती थी और जिस तरफ यह सेना रुख करती थी वहां से सब कुछ लूट लिया जाता था। सेना नायक हनीबल इसलिए रोम से करता था नफरत। डैश हनीबल रोम और उसकी सेना से काफी नफरत करता था। हनीबल के पिता 40 साल से सेना के सिपाही के रूप में रोम से लड़ रहे थे और यही एक मुख्य वजह थी कि इसके पिता ने हनीबल को शुरुआत से ही रोम की सेना के अत्याचारों से वाकिफ कराया था। हनीबल बचपन से ही रोम की सेना को धूल में मिलाने का सपना देखा करता था। रोम को हराने का प्लान बनाया था हनीबल ने। देश हनीबल जब अपनी कार्थेजिनियन सेना का मुख्य सेनापति बना था तब उसकी उम्र बस 26 साल थी। इस योद्धा ने रोम को हराने का प्लान बचपन में ही बना लिया था। सेना नायक हनीबल जानता था कि रोम का समुद्र की सीमा पर पूरा कब्जा है। हम यदि समुद्र के रास्ते से जाते हैं तो हमको समुद्र में घेर कर मार दिया जाएगा। तब हनीबल ने गुरिल्ला युद्ध की नीति बनाई। अपने सेना में उसने कुछ 40 से अधिक हाथियों को जोड़ा था। साथ ही साथ रोम पर हमला करने के लिए कुछ 30,000 से 40,000 से अधिक सैनिकों को खास तैयार किया था। लेकिन युद्ध के समय मुख्य समस्या यह थी कि जिस तरफ से हनीबल हमला करना चाह रहा था वहां से बड़े ऊंचे पहाड़ इनकी सेना को पार करने थे। लेकिन यह पहाड़ हाथियों के वश में पार करने नहीं थे। सभी जानते थे कि हाथी पहाड़ पार नहीं कर सकते हैं, किंतु हनीबल की जीत भी इसी रास्ते पर निर्भर करती थी। रोम का ध्यान पहाड़ों की तरफ नहीं था क्योंकि इधर से कोई आ ही नहीं सकता था। तब सेना नायक हनीबल ने आवाज के दम पर हाथियों से कराए पहाड़ पार। देश कहते हैं कि तब हनीबल ने सेना को पहाड़ पार कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इसकी आवाज में एक अनोखा दम आ गया था। शक्तिशाली योद्धा की आवाज हाथी भी समझने लगे थे और देखते ही देखते इसने हाथियों से पहाड़ पार करा लिए थे। लेकिन पहाड़ पार करने में इसके कुछ 10,000 साथी मारे गए थे। अब इसके पास बस 37 और कुछ कुछ 25,000 साथी थे और रोम की सेना कुछ 70,000 थी। फिर से हनीबल ने सबको हैरान कर दिया था। डैश हनीबल ने फिर से एक बार सबको हैरान तब किया था जब उसने अपने सैनिकों को हाथियों के पीछे रहने को बोला था। यह जानता था कि जमीन मिलते ही उसके पहाड़ी हाथी इधर उधर भागना शुरू कर देंगे और हाथी ही रोम की सेना को मार देंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो कुछ ऐसा ही हुआ। रोम के आधे से ज्यादा सैनिक तो हनीबल के हाथियों के पैरों तले दबकर मर गए थे। तो इस प्रकार से सेना नायक हनीबल ने इस अनोखे और हैरान कर देने वाले युद्ध को जन्म दिया था। सेना नायक हनीबल जैसे योद्धा के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी नहीं है। इसकी सेना और युद्ध समय के बारे में भी विवाद है, किंतु यह तो सत्य है कि हनीबल ने अपने युद्ध में हाथियों से भी पहाड़ पार करा लिए थे और ऐसा किसी युद्ध में पहली बार हुआ था।